सी आप लोगों को पहले बैकहैंड बैकस्पिन सर्विस कैच करो बॉल, बैकहैंड बैकस्पिन दिखा रहे हैं जिसमें बॉल को नीचे की तरफ से अभी हिट करेगा तो इसमें बैकस्पिन जाएगी जिसकी टेंडेंसी होगी बॉल नेट में घुसने की। चलो बॉल को रैकेट ने नीचे की तरफ से मारा, इसमें बैकस्पिन है, इसमें बैकस्पिन आ रही है तो नेट में जाने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है। आर्यन तो एक्सपर्ट है इसलिए उठा दे रहा है। अब इसमें ये बैकहैंड बैकस्पिन हो गई, अब बैकहैंड साइड स्पिन सर्विस देखिए। अब रैकेट रैकेट जो नीचे की तरफ जा रहा था यू जा रहा था, अब रैकेट यू नहीं जाएगा, रैकेट यू जाएगा। बॉल को हम इस तरह से रब करेंगे, ब्रश करेंगे तो बॉल का जो मूवमेंट है वो साइडवेज हो जाएगा, इस तरह से घूमेगी बॉल, यू यू घूमना शुरू करेगी। अभी बॉल ऐसे घूम रही थी नीचे से ऊपर की तरफ, अब बॉल साइड से घूमेगी। वो देखिए बॉल का टेंडेंसी उधर जाने का है तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको एंगल जो है टेबल के अंदर की तरफ रखना पड़ेगा। देखिए बॉल का टेंडेंसी जो है बाहर भाग रहा है बॉल साइड स्पिन में। दो तरह की बेसिक स्पिन्स होती हैं सर्विस में, बैक स्पिन और साइड स्पिन। इसी तरह से हम लोग फोरहैंड में भी कर सकते हैं। फोरहैंड में साइड स्पिन करने के लिए रैकेट को हमें इस तरह से हिट करना पड़ेगा यूं करके, इसमें साइड स्पिन है, बॉल उधर जाएगी और उसके बाद रिटर्न इसका इधर भागता है। बॉल की स्पिन अगर ऐसे है तो बॉल इस डायरेक्शन में भागेगी, उसको सामने अपोनेंट को कंट्रोल करना पड़ेगा। देखिए और इसी में जब बैकस्पिन करेंगे तो बैकस्पिन में हम रैकेट को ऊपर से नीचे की तरफ ले जाएंगे यू। अब ये नेट में जाने की टेंडेंसी आ चुकी है इस बॉल में क्योंकि हम बॉल को नीचे की तरफ हिट कर रहे हैं। ये बैकस्पिन फोरहैंड बैकस्पिन सर्विस, ये फोरहैंड साइड स्पिन सर्विस क्योंकि बॉल को हम साइड सरफेस पे मार रहे हैं, साइड वॉल पे मार रहे हैं। ये बॉल इधर भागेगा। अब इसको रिसीव करने के लिए जो कंडीशन होती है जब हम बैकस्पिन सर्विस करते हैं, बॉल को हम तेज़ी से नीचे मार रहे हैं तो जो प्लेयर होगे जब आप भी खेलने लगोगे तो आप भी हाथ का डायरेक्शन देख के समझ जाओगे कि कौन सी स्पिन आ रही है। अगर नीचे गया है हाथ तो उसमें बैक स्पिन है और हाथ ऐसे गया है तो उसमें साइड स्पिन है, तो उसी एंगल को आपको एडजस्ट करना आ जाएगा। जैसे मैं अब यूँ बैक स्पिन करूँगा तो आर्यन को मालूम है कि नेट में जानी है बॉल, तो वो रैकेट को थोड़ा सा ओपन कर लेगा और धीरे से बॉल को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा। स्पिन का इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज करके बॉल मेरी तरफ आ जाएगा। आप देखो, ये देखिए धीरे धीरे आर्यन एक्सपर्ट हो गया है, सभी प्लेयर एक्सपर्ट हो जाते हैं, उनको देखना पड़ता है कि हाथ का डायरेक्शन किधर जा रहा है। ये सब मैं बैकस्पिन सर्विस कर रहा हूँ, बैकस्पिन, और इसको जब थोड़ा सा आप उठा देंगे तो आप सामने वाले के हथियार को न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब मैं साइड स्पिन कर रहा हूँ और आर्यन अपने कंट्रोल से बॉल को सेंटर पे लाएगा। ये देखिए ये रिसीविंग है और मैं सर्विस कर रहा हूँ और आर्यन रिसीव कर रहा है।